अब हम बात कर रहे हैं किन किन लोगों ने चालू सेट में सीपीयू निकाल के उनको वापस चालू किया है। yes, sir. Yes, sir. चलो देखो इतने सारे लोगों ने मतलब यार सबने किया ये तो। yes, sir. अब ठीक है, अब किन किन लोगों ने एक से ज्यादा बार किया है, सो अपने नंबर बोलते जाइए। दो मैं तीन बार सर। तीन बार सर। तीन बार। तीन बार। छह बार, बार। yes, sir. तीन बार। दो बार। दो बार। दो बार। और आपने एक बार इसीलिए क्योंकि आपको एक ही बार मिला है। ये समझता हूँ कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने बारे में सोचना चालू कीजिए। आप कैसे बढ़ेंगे आगे, दूसरों की परवाह मत कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों पे उंगली उठाकर उनकी कंधों पर सर रखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में वो दुनिया तो दुनिया समझदार है दोस्तों, वो जानती है कि क्या आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सही और गलत क्या है या आप जानते हैं, मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनती होंगे तो आप इस दुनिया को जीत लेंगे, पर अगर आप अपने ही मेहनत में बेईमानी करेंगे तो आप अपने आप को भी हार जाएंगे एक दिन। थैंक यू वेरी मच। और एक दो मोबाइल पे हमने चालू किए सीपीयू रिवॉल्व करके, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर। मतलब अभी हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हम कब घर पे जाएंगे सर, प्रोग्रामिंग करके चलेंगे। इजी जेट और यूएफआई सब एकदम दिमाग में बढ़ गया सर। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ देवरत्न अग्रवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम और ये है आपका चैनल। सो दोस्तों यहाँ पर आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ, बहुत दिनों बाद एक ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें मैं आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, जो अपने दिल की बात है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो भी हमारे स्टूडेंट आते हैं बहुत सारे, और जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ, और जो भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे जो मुझे फॉलो करते हैं जो यूट्यूब में या जो मेरी वेबसाइट में, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से मैंने एक कंक्लूजन निकाला है जिससे तर्क पे आज मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। सबसे पहले दो बड़े मुद्दे हैं इस मोबाइल रिपेयरिंग में। पहला बड़ा मुद्दा ये है कि इंटरेस्ट, और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि क्या है डायरेक्ट सोल्यूशन। आप इन दोनों मुद्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं और ये आपको समझाइश भी दे सकते हैं कि मैं इस फील्ड में आऊँ कि नहीं आऊँ। दोस्तों सबसे मेन ये बात जानना होती है हमें कि हमें करना क्या है। क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग से इसीलिए कर रहे हैं कि क्योंकि सामने वाला एक अच्छा पैसा कमा रहा है, आपके सामने आप एक दुकान पर बैठने चालू कर दिया, आपने एक मोबाइल शॉप में बैठना चालू कर दिया, आपने ये देख रहे हैं कि सामने वाला तो एक मोबाइल को लेकर 1,500-2,000 कुछ भी मनमाने पैसे लिए जा रहा है, और एक एक दिन में 3,000-4,000-5,000-10,000 रुपये तक वो कमा रहा है। आप ये नोटिस कर रहे हैं और आपको लग रहा है यार मैं भी मोबाइल रिपेयरिंग अगर सीख जाऊं, सो मैंने जैसे ही सीख ली उसके अगले दिन ही मैं भी 1,500-2,000-3,000-4,000-5,000-10,000 रुपए कमाना चालू कर दूंगा। अगर आप सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि सामने वाला अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में नहीं आना चाहिए। दूसरा दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना है कि आपको इंटरेस्ट क्या है, हमें इंटरेस्ट क्या है। अगर हम मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या आप वाकई में मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड हैं? क्या होता है इंटरेस्ट, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट को आपको बताना चाहता हूं। नहीं, मैं तो सामने वाले को देख के एक फील्ड में आ गया, जो वो कर रहा है मैं वही करना चाहता हूँ, वो जिस इंस्टीट्यूट में सीखने गया था मैं भी उसी इंस्टीट्यूट में सीखने जाता हूँ, पर यार मैं जितना सीखा था मैं उतना नहीं सीख पाया, पर यार वो जितना सीख गया वो जितना कर रहा है मैं तो उतना नहीं कर रहा हूँ, यार वो इंस्टीट्यूट खराब है, वो बेकार इंस्टीट्यूट है। तो ये कभी कभी ऐसा आउटपुट निकल आते हैं। सो ये क्यों होते हैं दोस्तों, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि वो बंदा सिर्फ इस रीज़न से आपके पास आया है, इस रीज़न से वो इस मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड को चुनता है, क्योंकि सिर्फ वो एक चीज़ को देख रहा है कि इससे हम पैसे कमा सकते हैं। देखो टेक्निकल जॉब है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, यहाँ पर इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या होता है इंटरेस्ट, और क्या आप वो इंटरेस्ट के लिए बलिदान दे सकते हैं? अगर आप वो इंटरेस्ट के लिए बलिदान दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ, तो ही मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आइएगा, आप बन जाएंगे बेताज बादशाह। अब जैसे कि मेरे से बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं कि सर मैं अपनी फील्ड का बेताज बादशाह बनना चाहता हूँ, मैं अपने सारे टेक्नीशियनों का सारा काम मैं करना चाहता हूँ, इंडिया लेवल पर मैं काम करना चाहता हूँ, पूरा चाइना में मैं छा जाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दिमाग में, तो क्या हम वो वाकई में कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, पर उसके लिए आपको बलिदान देना होगा, उसके लिए आपको समझना होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। क्या होता है रियल इंटरेस्ट, सिर्फ मुझे कुछ दिनों के लिए
एक भूख जाग जाना, सिर्फ कुछ दिनों के लिए इंटरेस्ट आ जाने को इंटरेस्ट नहीं कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह होता है जिस तरह एक सलमान खान की जब कोई मूवी रिलीज़ होती है तो हम उसकी मूवी देख लेते हैं और उसकी बॉडी को देख के हमें इंटरेस्ट आ जाता है, यार हम भी जिम ज्वाइन करें, और चार दिन जिम ज्वाइन करने के बाद हम पाँचवें दिन उस जिम की फीस भरकर छोड़ देते हैं क्योंकि हमको लगता है यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे तो बॉडी पेन करने लगी यार, इतना कौन उठाएगा, इतना डेली रोज सवेरे कौन 6 बजे उठेगा, अपने खान पीन में कौन सुधार करेगा, क्योंकि सिर्फ कसरत करने से जिम नहीं भरती है, पूरा बॉडी का पूरा उसका शेड्यूल होता है, एक पैमाना होता है जिस पर हमें खरा उतरना होता है, आपके खाने पीने से, आपके कसरत, आपके व्यायाम, वार्म अप नहीं करते लोग जिम जाने से पहले। तो आप ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, आई होप कि कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ रहा हो, कि ये बताना कि एक हो गया कि किसी को देखकर कुछ दिनों तक जोश जो जग जाता है और उस जोश को हम आगे लेकर बढ़ाते हैं और कुछ दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद में टाटा फेस और फिर हो जाता है आउटपुट सामने वाले का खराब। क्यों? क्योंकि अब वो इंटरेस्ट से नहीं आया। देखिए दोस्तों मैं सच बताऊं कि मैं अपनी क्लास में जब पहले दिन पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट से एक बार पूछता हूं कि अगर आप में से पहले दिन अगर आप में से लोग इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप मुझे अपना पूरा समय नहीं दे सकते हैं, अगर आप मुझे अपनी रात अपना दिन नहीं दे सकते हैं तो आप यहाँ से चले जाइए, ये इंस्टीट्यूट आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर मैंने देखा कि ऐसे बहुत से लोगों को जिसको पढ़ाया भी गया हो तो वो उन्होंने कहीं ना काम करते हुए नाम हमारा ही ख़राब किया है। दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम हर एक को खुश क्यों नहीं कर पाते, रीज़न क्या है, इसके पीछे हमने रीज़न समझाया है दोस्तों, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग सिर्फ चीज़ों को देखकर ही आ जाते हैं इस फील्ड में, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये इंटरेस्ट होता क्या है, तो चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट होता है एक भूख, एक चीज़ को जानने की भूख, कि सर एक कंपोनेंट, अगर ये आईसियाँ क्या होती हैं, कंपोनेंट क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, ये सर्किट किस तरीके से काम करता है, ये जानने की भूख, ना कि डायरेक्ट सोल्यूशन पर जानने की भूख, जो कि मेरा दूसरा मुद्दा है। डायरेक्ट सोल्यूशन और जो डायरेक्ट होते हैं वो सिर्फ डायरेक्ट सोल्यूशन जानना चाहते हैं। इंटरेस्ट होता है कि अगर मैंने कुछ काम सीखा है आज, और अगर मैंने एक लाइट सेक्शन, ये चार्जिंग, एक सिम सेक्शन, एक मैंने इंगर सेक्शन, एक माइक सेक्शन अगर सीखा है, तो ये जानने की भूख कि अभी जितने भी मोबाइल है मेरे पास सो उनका माइक सेक्शन क्या होगा, तो चलो लेके बैठते हैं, ट्रेसिंग करते हैं, पूरी रात भर करते रहेंगे और एक सर्किट बनाएंगे और ये देखेंगे कि क्या ये सप्लाई कहाँ जाती है, ताकि अगर भविष्य में किसी भी मोबाइल में यह सप्लाई आए सो मुझे पता रहे कि इसमें क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, क्या नहीं हो, कि किस कनेक्शन में ये कंपोनेंट लगे होंगे, क्या क्या इसमें फॉल्ट आ सकता है। सो ये जानने की भूख जब तक नहीं होगी, इंटरेस्ट उस चीज़ को इंटरेस्ट नहीं कहेंगे। अगर आप में इंटरेस्ट है सो आप रात में, अगर आप अपना दिन भर भी अपना दुकान पर काम करके रात में भी आप उन मोबाइलों पर बैठ कर काम करेंगे और उन पर प्रैक्टिस करेंगे कि आप आगे की ओर बढ़ सके, अपडेट ले सके अपने आप को, ना कि सिर्फ सोल्यूशन मांगना। जबकि दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज के डेट में 90% जितने भी जो टेक्नीशियंस होते हैं वो डायरेक्ट सोल्यूशन पे काम करते हैं। फॉर मसलन मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, जैसे हम यहां पे बात करते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन क्या होता है। सर डायरेक्ट सोल्यूशन, सर एक मेरा लाइट का डिस्प्ले नहीं आ रहा, सर एक MI का सेट है। अगर किसी एक अच्छे टेक्नीशियन से वो बात करेगा और वो उसको जवाब देगा कि चलो डिस्प्ले कनेक्टर चेक कर लो, टूटा हो सकता है, उस पर कार्बन जमा हो सकता है, या तो उसको क्लीन कर लो या उसके आसपास के कंपोनेंट चेक कर लो, जो कि उसको नहीं पता है कैसे कंपोनेंट चेक करते हैं, बस वो देख के बता देगा हाँ सर कंपोनेंट लगे, कोई उखड़े तो नहीं है, टूटे नहीं है, फिर वो बता देगा चलो ठीक है ये मैं फोटो भेज रहा हूँ, जिसको जंपर पिक कहते हैं, ये एक क्लास IC लगी है 15 वोल्ट की, एक डिस्प्ले ग्राफिक्स IC, इसको निकाल लो और इसको निकाल के लगा दो और इससे तुम्हारा लाइट सेक्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, दो बार ही हो भी जाता है, कुछ मोबाइल में हो जाता है, पर दोस्तों तीसरी बार क्या होता है कि अगर वही टेक्नीशियन उस मोबाइल को उस IC को लगाता है बार बार और तब भी लाइट नहीं आती, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, यार ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या मसले हैं। क्योंकि क्या आपको लगता है कि सिर्फ IC निकाल के बिठा देने से सोल्यूशन हो जाता है? अगर आप प्रॉपर नॉलेज ट्रेसिंग के साथ चाहते, तो अगर आप अपना दिमाग ये डायरेक्ट सोल्यूशन में ना लगा के, अगर आप ये सोचते कि नहीं मैं बेसिक सीखूँ तो ज़्यादा बेटर है, मैं अपना बेसिक क्लियर करूँ तो मैं ज़िंदगी में सारे सोल्यूशन पा सकता हूँ। अगर आपका बेसिक क्लियर होता, अगर ज़िंदगी में आपको कोई सी भी IC पता चल जाती, सो आप उसके IC को निकालते, उसके जो बॉल्स होते हैं जिसको उसको पिनआउट बोलते हैं, उस पिनआउट को आप ट्रेस करते और चेक करते कि उसके सप्लाई कहाँ कहाँ तक जा रही है, उस पिनआउट पर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है या उस पिनआउट पे ओपन लीकेज या शॉर्ट आ रहा है, तो वो सर्किट का नॉलेज होता और वो आपको एनहेंस करता।
और सच बताऊं तो जिन लोगों को ये नॉलेज है वो वाकई में अपनी फील्ड में कमाल कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज के डेट में मैंने ये देखा है कि लोग किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी कहीं पे भी आना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में कंसेप्ट होता है कि हम तो सिर्फ डेड मोबाइल बनाने आए हैं, या तो हम सिर्फ नेटवर्क सेक्शन या फलाना सेक्शन या दिखाना सेक्शन, हमें बाकी किसी सेक्शन से कोई परवाह नहीं, माइक वाइक या हम बात करें कोई सभी सेक्शन हमें परवाह नहीं, हमारे पास तो सिर्फ डेड मोबाइल आते हैं और हम सिर्फ डेड मोबाइल बनाना चाहते हैं। सो अगर आपके पास सिर्फ डेड मोबाइल आते हैं और डेड मोबाइल बना रहे हैं, और अगर आपको अब इस फील्ड में नए हो, आप सिर्फ कनेक्टर बिठा रहे हो, इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो इस लाइफ में, इस फील्ड में कुछ नहीं कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट सोल्यूशन बनाना चाहते हो, मतलब आप डायरेक्ट सोल्यूशन चाहते हो। चलिए, कोई भी आपको डायरेक्ट सोल्यूशन दे सकता है। क्या होगा डायरेक्ट सोल्यूशन से? अगर आप शॉर्ट किलर खरीद लेंगे 1.5-1.8 वोल्टेज पर सप्लाई पर रख के, आप किसी भी प्राइमरी सेकेंडरी आप कंपोनेंट को हीट करके और वाइट स्मोक या जिसको हम कुछ भी नाम दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। उससे हम सप्लाई को निकाल लें। सपोज अगर हमें शॉर्ट किलर भी यूज़ कर लिया, कहीं पे हीट नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कौन सा, अगर किसी ने बोला चलो ये PFO निकाल दो, उसके बगल का कैपेसिटर निकाल, ये वो फलाना दिखाना, डायरेक्ट सोल्यूशन। फिर भी हमको हम जिंदगी भर किसी ना किसी से पूछते रह जाएंगे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये मैं क्या करूं? दोस्तों मैं सच बताऊं, अधिकतर लोग समझते हैं कि इट्स अ डैट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और सब जगह आता ही है, ऑब्वियस है कि डैट सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप डैट सेक्शन डायरेक्ट बना पाते हैं और ये सोच के कि मुझे तो ट्रेसिंग से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कंपोनेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सर एक ऐसी टेक्निक बता दो जिससे मैं डैट सेक्शन बना लूँ। अब देखिएगा, हमारे इंस्टीट्यूट में हम शुरुआत के 5 दिनों में ही हम जितने भी ऑल ओवर स्टूडेंट होते हैं उनको हम CPU निकलवा कर रिमाउंटिंग करवाते हैं, मतलब निकलवा के चलूँ वाल मैं उनसे खुद ही से रिबॉल। ऑब्वियस है कि पहले बार ही आते हैं, सबसे पहले रिबॉलिंग करवाते हैं, उनका बेसिक कॉम्पोनेंट की जो नॉलेज होता है 5 दिन के अंदर इतना सब कुछ, और उनको सबको कि जिन्होंने फ्रेशर है, जिन्होंने कभी आज तक कोई कंपोनेंट नहीं निकाला होगा, हालांकि कंपोनेंट कभी निकालने का उन 5 दिनों के अंदर प्रैक्टिस करवाते हैं और CPU निकलवा कर लगवा कर चालू करवाते हैं। और अगर आपने ये आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप ये छोटा सी एक इस क्लिप देखिएगा मेरे वीडियो की। अब हम बात कर रहे हैं किन किन लोगों ने चालू साइड में CPU निकाल के उनको वापस चालू किया है। Yes, sir. चलो देखो, इतने सारे लोगों ने मतलब यार सबने किया ये तो। अब ठीक है, अब किन किन लोगों ने एक से ज़्यादा बार किया है, सो अपने नंबर बोलते जाइए। दो मैं तीन बार यस सर, तीन बार, दो बार। आपने ये क्लिप मेरी वीडियो की जिसमें मैंने अपने स्टूडेंट से पूछ रहा था कि कितने लोगों ने CPU निकाला है और लगाया, तो सब लोगों ने हाथ उठाया। अब आप बताइए ये तैयार हो गया डेट सेक्शन के लिए, पर क्या ये वाकई में पूरा तैयार है डेट सेक्शन के लिए? डेट सेक्शन नहीं दोस्तों दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए। हर सप्लाई डेट कहाँ कहाँ से होता था, सप्लाइयों का नॉलेज होना चाहिए। क्या मेरा डेट वाइब्रेटर से हो सकता है, मेरा डेट रिंगर से हो सकता था, मेरा डेट डिस्प्ले की सेकेंडरी IC से, मेरा टच की IC से, मेरा टच के कंपोनेंट से, वाईफाई से, जहाँ जहाँ मेरा VCC मेन, VBAT मेन, या सर VYS की सप्लाई, कुछ भी आप बोल लीजिए उसका नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो आपको समझ ही नहीं है ना, आपको समझना है एक डायरेक्ट नॉलेज। आप समझिएगा ये आप कंसेप्ट, मैं इस कंसेप्ट को इसलिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं और जब वो डायरेक्ट सोल्यूशन पूछते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात से, ये जानकर कि इतना सब, क्योंकि वो अपने ट्रेसिंग को तजब्बू नहीं दे रहे, वो अपने ट्रेसिंग को वो अपना बेसिक क्लियर नहीं कर रहे हैं और वो डायरेक्ट सोल्यूशन चाहते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सोल्यूशन इस तरह से करना और एक प्रोफेशनल काम है जिसमें आप पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप कभी कभी पैसा कमा पाएंगे उस बिज़नेस में, बाकी टाइम पे आप खाली बैठे रहेंगे क्योंकि आप डायरेक्ट सोल्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे एक आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों एक आपको साइड में फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, ये है रेडमी का Y1 जिसमें एक 9 बॉल की लाइट IC लगी हुई है। हमने अपने सारे स्टूडेंट को 9 बॉल का, 12 बॉल का, 6 लाइट के 2 सर्किट, उसके अलावा भी जो लाइट सेक्शन जितने होते हैं, हमने एक एक बॉल का पॉइंट ये तक बताया कि उस पर किस बॉल पे कितना रेजिस्टेंस, उसको ये तक बताया है कि उस बॉल किस बॉल पे रेजिस्टेंस आता है, किस बॉल पे ग्राउंड आता है, कौन सी बॉल पे कितना वोल्टेज आता है, कौन सा बॉल किधर से कनेक्ट होता है, और ये सिर्फ उनको प्रैक्टिकल करवाया। और उसने ये अपने खाली टाइम पे बैठ के अपनी रेडमी Y1 में जिसमें फॉल्ट ये आ रहा था कि इसमें ये फॉल्ट आ रहा था कि उसका लाइट ब्लिंकिंग कर रहा था, तो उसने उस IC को निकाला
और वो चाहता था उसे वो पूरी आईसी चेंज कर देता या वही आईसी को रिबॉल करके वापस लगा देता तो हो जाता उसका उसका सलूशन। बट उसने उस सर्किट को ट्रेस किया, ट्रेस करके उसने एक जम्पर पिक बनाई ताकि वो दूसरों के लिए हेल्प कर सके। ना 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 ना, ये नहीं, वो नहीं करना चाहता किसी की हेल्प, वो अपनी हेल्प कर रहा था। उसने ट्रेस किया ये देखकर कि मैं ट्रेसिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, कि अगर कभी भी कोई भी आईसी आएगी ना तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, मुझे ट्रेसिंग का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कंपोनेंट मुझे सप्लायर का नॉलेज होना चाहिए, तो ही उसके बाद आप डेट सेक्टर बना सकते हैं। क्योंकि जब उसने ट्रेस किया होगा तो उसने देखा होगा कि अगर मान लीजिए सपोज मैं ये आईसी लगा भी देता तो भी लाइट नहीं आता तो फिर क्या, फिर मैं सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या पावर आईसी निकालूं कि सीपीयू निकालूं। तो दोस्तों अगर उसको नॉलेज होता तो वो ये देखता कि 15 वोल्ट की ग्राफिक्स आईसी में B2 और C2 नंबर के बोल पे जो रेजिस्टेंस आता है वो सिग्नल की तरह होता है, जो कि सीपीयू कमांड की तरह भेजती है। अगर मान लो वहाँ पर रजिस्टर नहीं मिलता तो उसको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता, पर कुछ बेवकूफ़ वहाँ पर भी सिर्फ सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं, जबकि वहाँ करना ये होता है कि B2 और C2 से ट्रेसिंग करके हो सकता है उसमें कुछ पैरेलल और सीरीज कंपोनेंट लगे हो कि पहले वो भी चेक कर लिया जाए। आप देखिएगा कितनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी बड़ी पीसीबी हमारा दिमाग चकरा जाता है और 50 से ज़्यादा तो आईसीयां लगी होती हैं, कौन सी एसी क्या काम करती है ये भी नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ पावर एसी के बगल में कैपेसिटर बूस्ट को लगे होते हैं उसको पावर आईसी कहते हैं, यही नॉलेज लेके हम काम कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है इस फील्ड में, क्योंकि आप इस फील्ड में नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं और मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट सोल्यूशन लेना चाहते हैं, जो कि ये जो दो मुद्दे हैं ये एज अ टेक्नीशियन के लिए एक बहुत बड़ा रोग है, एक बहुत बड़ी बीमारी है, और जब तक ये आपको लगी रहेगी आप जीवन में कभी एक अच्छे टेक्नीशियन नहीं बन सकते। दोस्तों मैं नहीं कहता कि एसर टेलीकॉम ज्वाइन करो, कहीं भी ज्वाइन करो, एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो अपने आसपास, अपने दूर दराज या कहीं पे भी आप किसी भी दुनिया के इंस्टीट्यूट में चले जाओ, बट जब तक इंटरेस्ट नहीं हो, अगर वो जितना भी अच्छा सिखा देगा उसके बाद भी उसका नाम खराब करोगे। रीज़न पता है क्यों है, क्योंकि वो तो अपना खून पसीना निकाल देगा आपके लिए, बट आप क्या करोगे, आप उसकी पढ़ाई हुई एक भी चीज़ को एक बार भी ट्राई नहीं करोगे, आप तो सिर्फ अपना लेके बैठ जाओगे डेट सेक्शन और सोचोगे कि मुझे इसको बनाना है बस कैसे भी करके, मैं तो 4 दिन हुए सीख कर आया और मैंने तो डेट सेक्शन बनाना है। दोस्तों सच बताऊं कि डेट सेक्शन भी बन जाते हैं, कि जब हम इसको ट्रेनिंग स्कूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, यहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है, ये आपको हम आपके सेटों पर काम करके आपकी पावर आपके सेटों पर काम करके आपके आईसी निकाल के लगा के वापस आपके सेट को चालू तो कर देते हैं एज अ टीचर, पर क्या आपको खुशी होती है, क्योंकि उसने आपने तो वो चालू नहीं किया ना, पर आपने चलिए ठीक है अगर वो मान लीजिए आपने वो चालू भी किया और पावर एसी और सीपीयू निकाल के चालू किया, तो क्या आप हमेशा हर दुनिया के हर मोबाइल में हर फॉल्ट में सिर्फ पावर सीपीयू निकालेंगे, नहीं, तो ये डायरेक्ट सोल्यूशन हो गया ना दोस्तों। तो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सोचिए, इस पर विचार कीजिए। अगर दोस्तों अगर मेरी बात अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और इसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सकता है अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फैलाइए इस वीडियो को, ये एक जंगल की आग की तरह होनी चाहिए। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता, तो बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक।
वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था या तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं आप? इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा फिर बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी अभी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया, और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया, और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972.
Download mobile free repair and Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.